पहला ग्रंथियों पांच निकालो, लिखा तुम्हारा घमंड करना, पांच की शेष है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देगा। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, एक नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम आंख मीरी हो। क्या हो तुम? तुम आंख मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। अब समझ आई? तुम्हारा मन करना अच्छा नहीं है, तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है, खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर, लिखा अपने आप को, बोलस कहता शुद्ध करो, कर नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम आखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ उस उत्सव में आनंद मनाए, ना के पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टा के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई के आंख मीरी रोटी से। जैसे इजरायली क्या करते थे, वो भी तो वो आंख मीरी नहीं, खमीरी रोटी बनाते थे ना, ताजा गूंदा हुआ वो मेमना जो कुछ विधि में लिखा था वो सब कुछ करते थे। तो आज परमेश्वर ने कहा तुम्हारा भी मसीह बलिदान हुआ है, तुम आंख मीरी बन जाओ, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरी गूंदी हुई आटों को खमीर कर देता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे कुलसियों 3:5 में लिखा है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, दुष्टता। चलो इस वचन को मैं आपको पढ़ाकर फिर क्लियर करता हूं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात विभ्याचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर बढ़ता है। पर तुम इन बराइयों में जीवन बताते तो इन्हीं के अनुसार चलते, पर अब इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां, बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को कामों समेत उतार डाला है, नए मनुष्य को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता। क्या बनता है? अब सुनो, इसका मतलब है कि तुम वो खमीरी रोटी हो, खमीर हो, आंख खमीरी मत बनो। इसलिए कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरी गूंदी हुई आटे को खमीर कर देगा। जैसे आज परमेश्वर ने इसराइलियों को पूर्ण छुटकारा नहीं मिला, वो पूर्ण शुद्ध नहीं थे, जो आज मसीह के बलिदान के द्वारा तुम्हें पूर्ण छुटकारा, परमेश्वर ने पूर्ण तुम्हें शुद्ध और पवित्र कर दिया, किसके लहू के द्वारा। पर अगर आज भी उस पाप के पुराने जीवन की, अगर वो आज भी बातें आपके जीवन में है, तो आज अभी भी आप क्या हो? वो आंख खमीरी हो, जो परमेश्वर ने कहा इसे निकाल कर खमीरी बन जाओ, आंख खमीर को निकाल दो। समझ आ रही है? थोड़ा और भी सोखा करके समझाऊं, सुनो ध्यान से। जैसे हम रोटी बनाते हैं ताजे ताजे आटे की, मान लो एक आटा आपका कल का पड़ा है, उसकी रोटी का टेस्ट बदल जाता है, आपको पता है ना? अब समझ आई है? इसी तरह से परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन मसीह के बलिदान के लहू के द्वारा दिया है। आज आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, दुष्टता, ये सब बैर भाव, बोलो क्या है ये, दुष्टता की चीजें, व्यभिचार, लोभ, ये सब कुछ पुराने जीवन की चीजें हैं। आज मसीह के बलिदान के द्वारा, लहू के द्वारा हमें क्या मिल गया है? पूर्ण छुटकारा तो मिल गया है, पर अगर आज भी वो चीजें आपके जीवन में हैं, तो फिर क्या है? तो हमारा भी फंसे मसीह बलिदान हुआ, जो अपने पापों के लिए इजरायली हर साल क्या करते थे, वो चढ़ाते थे। उन्होंने तो उस अपने पूर्ण छुटकारे के लिए कि हमारा पूर्ण उद्धार करता यीशु, जिसके बारे लिखा वो आ गया, उन्होंने तो खुशी मनाई। पर आज हमें कितनी मनानी चाहिए? क्या आज हमें उन पाप के
चीजों को उनके फिर भागीदार बनना के उनको छोड़कर उसकी इच्छा में और आगे बढ़ते जाना है। कि आज भी वही पुराने स्वभाव, वही आज भी प्राणी, वही वही पाप का स्वभाव, वही गुस्सा, वही चीज, सब कुछ अभी भी उसी तरह है। समझ आ रही है? ये एक परमेश्वर का बड़ा प्लान, बड़ी योजना है अपने लोगों के लिए, छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ा प्लान, बड़ी योजना है परमेश्वर की, जो उसने मसीह के द्वारा, जब आदम और हवा ने पाप किया था, क्या किया था, तो आदम को तो शराब मिला ही मिला, हवा को तो मिला ही मिला, साथ में शैतान को भी शराब मिला कि तूने स्त्री से ये पाप कराया है, मैं किस स्त्री से संतान पैदा करूंगा, शैतान जो तेरे सिर को क्या करेगा, कुचल देगा। परमेश्वर ने बड़ा लंबे समय तय करके अपनी योजना को इस दुनिया में यीशु मसीह को लाकर पूरा किया है। अरे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पर परमेश्वर को भी कभी कभी आपके लिए कुछ योजना, आपके छुटकारे के लिए उसे भी कितना लंबा समय लगा। तो हमें डरते हुए कामते हुए क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए उसके लिए नहीं जीना चाहिए? बताओ मुझे, जिसने इतनी बड़ी योजना को आपके लिए तैयार किया,